हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक सीधे साधी लड़की को जेल के एक कैदी से प्यार होता है और वे दोनों जेल में ही गपागप शुरू करते हैं, यानी कि इंटीमेट होते हैं। और यही नहीं, उनका ये प्यार का सिलसिला जेल से छूटने के बाद भी जारी रहता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। की स्टार्टिंग में हम मीना नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे गांव में प्यार से लोग बम्बोला कहते हैं। उसके पास उसकी पाली हुई बकरी होती है, जिसे वो बहुत प्यार करती है। बम्बोला का फ्लेवियो नाम का एक भाई होता है और वो दोनों अपनी माँ का रेस्टोरेंट चलाने में मदद करते हैं। फ्लेवियो को अपनी माँ का बंदूक चलाना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती है। ऐसे ही एक दिन वो गलती से अपने आप को ही शूट कर देती है। इस बात से बम्बोला और फ्लेवियो काफी उदास होते हैं। और एक दिन बम्बोला की बकरी किसी बीमारी के कारण मर जाती है, जिस वजह से बम्बोला और भी उदास होती है। लेकिन फ्लेवियो बम्बोला के लिए लिली नाम की एक बकरी लेकर आता है, ताकि बम्बोला उदास ना रहे, और बम्बोला से रेस्टोरेंट फिर से शुरू करने बोलता है। लेकिन पैसों की कमी के कारण बम्बोला मना कर देती है। तब फ्लेवियो बोलता है कि मेरा युगो नाम का एक दोस्त है, वो हमें पैसे की मदद करने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर बम्बोला मान जाते हैं। अगले दिन युगो दोनों से मिलने आता है। उस दौरान बम्बोला की खूबसूरती देख युगो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वे रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। साथ ही बम्बोला को पता चलता है कि युगो उसे पसंद करता है, और उसी रात बम्बोला युगो से कहते हैं कि वो उसके भाई फ्लेवियो के साथ वाटर पार्क जाने वाली है। ये सुनकर युगो भी उनके साथ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि युगो बम्बोला से प्यार करता था तो वो नहीं चाहता था कि बम्बोला वाटर पार्क में किसी दूसरे लड़के के प्यार में पड़े। अगले दिन वे सभी वाटर पार्क जाते हैं, वहाँ वे काफी एंजॉय करते हैं। उस दौरान बम्बोला की मुलाकात सेंटीमियो से होती है, और बम्बोला को सेंटीमियो के साथ देख युगो को अच्छा नहीं लगता। आगे युगो जब सो रहा होता है, तब बम्बोला सेंटीमियो के साथ राइड पर चली जाती है और वहाँ वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से युगो उन्हें देख लेता है। इस बात से युगो को बहुत गुस्सा आता है और वो राइड पर जाकर सेंटीमियो से लड़ने लगता है। लड़ते वक्त युगो का सर एक पोल पर लगता है, जिस वजह से वो राइड से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। युगो की मौत के इंजाम में सेंटीमियो को जेल हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद बम्बोला अपने भाई के साथ सेंटीमियो से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर हम फ्यूरियो नाम के एक क्रिमिनल को देखते है। वो बम्बोला की खूबसूरती देख उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और पहली नजर में उसे बम्बोला से प्यार हो जाता है। आगे बम्बोला सेंटीमियो से लॉयर के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए क्या कर रहा है। सेंटीमियो बोलता है कि वो इसी केस पर काम कर रहा है और उसे थोड़ा समय लगेगा। सेंटीमियो बम्बोला से बोलता है कि अगली बार जब तुम मिलने आओ, तब अपने साथ खुद की कुछ तस्वीरें लेकर आना, ताकि उसे देखकर जेल में उसका मन बना रहे। बम्बोला मान जाती है, लेकिन उनकी ये सभी बातें फ्यूरियो सुन लेता है। और जब सेंटीमियो अकेला होता है, तब फ्यूरियो उससे बोलता है वो बम्बोला से काफी प्यार करने लगा है और तुम उसे छोड़ दो, वो जेल से छूटकर बम्बोला से शादी करेगा। और साथ ही वो ये भी बोलता है कि बम्बोला जो फोटो तुम्हें देने वाली है, उसे चुपचाप तुम मुझे दे दो। सेंटीमियो कुछ भी ना बोलकर वहां से चला जाता है। आगे फ्लेवियो बम्बोला का फोटो शूट करता है, जिसे वो सेंटीमियो को भेजती है। वो फोटो जेल पहुंच तो जाती है, लेकिन उसे सेंटीमियो की जगह फ्यूरियो देख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूरियो ने वो फोटो सेंटीमियो से जबरदस्ती छीन लिए होते हैं। फ्यूरियो का इन सब से मन नहीं भरता, तो वो अपने आदमियों के जरिए सेंटीमियो को काफी परेशान करता है, ताकि वो बम्बोला को भूल जाए। अगले दिन जब बम्बोला सेंटीमियो से मिलने जाती है, तब उसे सेंटीमियो की जगह फ्यूरियो मिलता है। फ्यूरियो बम्बोला से बोलता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करने लगा हूं और मैंने तुम्हारे फोटोज देखे जो मुझे काफी पसंद आए। ये सुनकर बम्बोला सेंटीमियो के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। इस पर फ्यूरियो बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन आगे वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। आगे फ्यूरियो बोलता है कि अगली बार आने पर गार्ड से मेरे बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें मेरे रूम में लेकर आएगा। इस बात पर बम्बोला कुछ ना बोलकर चली जाती है, और घर आने पर बम्बोला सारी बात फ्लेवियो को बताती है। इस बात पर फ्लेवियो सेंटीमियो की मदद करने बोलता है, लेकिन बम्बोला उसे साफ साफ मना करती है। दूसरी तरफ हम फ्यूरियो को देखते हैं, जो बम्बोला के पैर में काफी पागल हो चुका होता है, जिस कारण वो बम्बोला का नाम चाकू से अपने हाथ पर लिखता है। आगे फ्लेवियो सेंटीमियो से मिलने जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि सेंटीमियो की हालत काफी खराब है, और घर आकर वो बम्बोला से बोलता है कि वो जाकर फ्यूरियो से मिले, क्योंकि फ्लेवियो सेंटीमियो को काफी पसंद करता है। इस बात पर हम समझ जाते हैं कि फ्लेवियो असल में एक गे है। ये बात बम्बोला को भी पता नहीं होती, और अब ये बात सुनकर बम्बोला फ्यूरियो से मिलने जाते है। बम्बोला इस बात से वहाँ गई थी कि वो फ्यूरियो से बात करके उसे समझा सके कि वो सेंटीमियो को परेशान ना करे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में बम्बोला ने सपने में भी नहीं सोचा होता। फ्यूरियो बम्बोला के साथ जबरदस्ती करने लगता है और बम्बोला कुछ भी नहीं कर पाती, जिसका फायदा उठाकर फ्यूरियो बम्बोला का शोषण करता है। बम्बोला घर आकर सभी बात फ्लेवियो को बताती है। ये सुनकर फ्लेवियो को काफी बुरा लगता है कि आज उसकी वजह से बम्बोला को काफी कुछ सहना पड़ा। बम्बोला बोलती है कि फ्यूरियो ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फ्यूरियो के साथ उस वक्त उससे काफी अच्छा लगा। ये सुनकर फ्लेवियो दंग रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इसके कुछ दिनों बाद फ्लेवियो बम्बोला से बोलता है कि उसे रात में नींद नहीं आती। वो सोचता रहता है कि जेल में फ्यूरियो सेंटीमियो के साथ काफी बुरा बर्ताव
बर्ताव कर रहा होगा और वो बम्बोला को फ्यूरियो से बात करने बोलता है, लेकिन बम्बोला मना करके बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसका मतलब बम्बोला फ्यूरियो से प्रेग्नेंट हुई होती है और इस वजह से वो मना कर रही होती है। लेकिन सेंटिमियो के बारे में सोचकर वो फिर से जेल में जाती है, लेकिन फ्यूरियो कहा बम्बोला के सुनने वाला था। फ्यूरियो फिर से बम्बोला के साथ जबरदस्ती करता है। अब बम्बोला भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे फ्यूरियो का तरीका काफी पसंद आया होता है और फ्यूरियो बम्बोला के साथ इंटीमेट होता है। आगे बम्बोला के घर आने पर फ्लेवियो बम्बोला से अबॉर्शन करने बोलता है, लेकिन बम्बोला उसे मना करती है। मतलब बम्बोला भी फ्यूरियो को पसंद करने लगी थी। कुछ दिन बाद फ्यूरियो जेल से छूट जाता है और वो सीधा बम्बोला के घर आकर उसे तंग करता है। फ्यूरियो का यह बर्ताव बम्बोला को पसंद नहीं आता, लेकिन वो भी फ्यूरियो को पसंद करने लगी थी तो वो कुछ भी नहीं करती और फ्यूरियो को अपने साथ अपने घर रहने देती है। दूसरी तरफ ये बात जब फ्लेवियो को पता चलती है तब वो साफ साफ मना करता है और बोलता है कि वो फ्यूरियो को यहाँ रहने नहीं दे सकता क्योंकि सेंटिमियो जेल से छूटकर यही रहने वाला है। बम्बोला मना करती है और बोलती है कि फ्यूरियो यही रहेगा। अगले दिन फ्यूरियो को टाइम पर खाना न मिलने पर वो बम्बोला को काफी तंग करता है और आगे एक कस्टमर बम्बोला के साथ डांस करने की जिद करता है और उसे देखकर फ्यूरियो काफी गुस्सा होता है और गुस्से के कारण वो सभी कस्टमर को भगा देता है। बस इतना ही नहीं, वो रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देता है और बम्बोला को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि बम्बोला किसी और आदमी से ना मिले। ये बात फ्लेवियो को पता चलने पर वो फ्यूरियो से लड़ने लगता है, मगर फ्यूरियो के पास बंदूक होने से फ्लेवियो वहां से भागकर बोट में छिप जाता है। लेकिन फ्यूरियो उसे बोट में छिपते वक्त देख लेता है और फ्यूरियो बोट को आग लगा देता है। अगले दिन फ्यूरियो जब सो रहा होता है तब बम्बोला खिड़की से बाहर निकलती है, लेकिन फ्यूरियो को पता चल जाता है और वो बम्बोला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ऐसे तैसे करके फ्यूरियो बम्बोला को पकड़ लेता है और बम्बोला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता फ्लेवियो उसे बंदूक से शूट कर देता है और फ्यूरियो की मौत होती है। कुछ समय बाद सेंटिमियो जेल से छूटकर आता है और बम्बोला एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर जाती है और यही हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।